टू माई ब्रैंड न्यू रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं नगेट्स क्लब सैंडविच। उसके लिए हमें चाहिए 5 अदद नगेट्स, टमाटो केचप, ऑयल, चिली गार्लिक सॉस, 6 स्लाइस ब्रेड के, आधा प्याज, आधा टमाटर, मायोनीज और ग्रीन चिली सॉस। और ये हमने 6 स्लाइस ब्रेड के रखे हुए हैं, साथ हमने प्याज को गोल गोल काट के रख दिया है, टमाटरों को भी गोल गोल काट के रख दिया है और ब्रेड की हमने साइडें काट दी हैं। नगेट्स को हमने क्यूब्स में करके रख दिया है और जिस पैन में हमने नगेट्स फ्राई किए थे उसी में हल्का सा ऑयल रहने देंगे और इसके अंदर प्याज और टमाटर हम ग्रिल कर लेंगे। हम पैन में भी ग्रिल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं हम लोगों के पास ग्रिल वाला ही पैन हो, इसलिए इसके ऊपर भी ग्रिल हो सकते हैं। इसको अच्छा सा ग्रिल करें। इधर मैंने ली है मायोनीज और चिली सॉस और रेड चिली सॉस और केचप। ग्रीन चिली सॉस और मायोनीज मैंने मिक्स कर ली थी, उसके ऊपर अब मैंने रखे हैं नगेट्स और एक मैंने चिली सॉस और एक केचप उन 2 स्लाइसेस पे लगा के उनको स्प्रेड कर लिया है। इसमें हमने रखने हैं नगेट्स। मेरे पास नगेट्स अवेलेबल थे इसलिए मैंने सोचा आज कोई नगेट्स के सैंडविच हो जाएं। और ये बिल्कुल बेकरी स्टाइल हैं, सेम वही टेस्ट है और उतने ही मज़ेदार हैं। ये जो मायोनीज और ग्रीन चिली सॉस का मिक्सचर है ना, ये ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े का है। अब इसके ऊपर मैंने रखी है केचप वाला स्लाइस। उसके बाद मैंने ग्रिल किए हुए देखे ऑनियन उसके ऊपर रख लिए और ये कितने अच्छे ग्रिल हुए हैं, ऐसे क्रंची क्रंची। उसके बाद मैंने इसके ऊपर रख दिया है टमाटर, बहुत नहायत ही खूबसूरत ये ग्रिल हुए हैं प्लेन पैन पे भी, देख सकते हैं आप वीडियो में। इसके ऊपर मैंने हल्की सी मायोनीज और ऐड कर ली है। ये अगर आपको स्पाइसी कर रहे हैं तो ज़्यादा चिली सॉस लगा लें, अगर आपने नॉर्मल रख रहे हैं तो नॉर्मल, मैंने नॉर्मल रखा। अब मैंने इसके ऊपर चिली सॉस वाला ब्रेड भी रख दिया है। ले जी, क्विक एंड फास्ट सर्विस नगेट्स क्लब सैंडविच रेडी हैं। आप इसकी शक्ल देखिए कितनी खूबसूरत है, इतनी मज़ेदार है। बड़े खा सकते हैं, बच्चे खा सकते हैं, ये नाश्ते में खा सकते हैं, बेकरी स्टाइल हैं और घर में तैयार होममेड। घर की चीज़ों की तो बात ही अलग है। देखिए आप कितने खूबसूरत है, कौन कहता है ये बेकरी जैसे नहीं है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, मेरा चैनल फूड स्टार फातिमा, उसको कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।